हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे थे कैमरा स्टोरी। और मैंने पहनी है साड़ी। मैं मेरे फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। हम लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गेट टुगेदर होने वाला है। और ये साड़ी, पता है बहुत ही स्पेशल बात इस साड़ी की क्या है? ये साड़ी मम्मी की है, मेरी मदर इन लॉ की, और मैंने उसे टपा लिया और उन्होंने ना इसको खूब जम के पहनी। उसके बाद ये मम्मी से बोर हो गई तो मम्मी ने इसको डोनेशन में दे दी। तो जब डोनेशन के लिए सामान निकाला जा रहा था तो मैंने ये साड़ी देखी। मैंने कहा ये साड़ी मैं मम्मी ले रही हूँ, तो मैंने उनसे ले ली। बड़ा हरामी हो बेटा। ये साड़ी मैंने उनको दी थी और इस साड़ी से मैंने मेरी शादी की शॉपिंग स्टार्ट करी थी। तो मेरा ना थोड़ा सा इमोशनल वाला टच है इस साड़ी के साथ। वीर वीर दीदी को देंगे, दीदी को प्रेजेंट देंगे। मेरे जीतने के कहीं कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। वेलकम बैक आपका। और बहुत ही खूबसूरत सी मुलाकात के बाद अपने मित्रों से हम निकल पड़े हैं घर की ओर। और उसके बाद अभी काम धाम थोड़ा देखना है। आज शाम को कुछ शूट्स है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शूट पे जाएंगे। वीर को घर नहीं जाना है, तो वीर को कहाँ जाना है? ड्राइवर भैया अभी लगातार हंस रहे हैं, बेचारे मुंह छुपा छुपा के हंस रहे हैं। जब से हम गाड़ी में बैठे हैं तब से वीर सिर्फ एक बात कह रहा है कि मुझे को घर नहीं जाना है। गॉड नोज कौन से एक्सेंट में बात करता है। वीर की एक फ्रेंड बन गई है वहाँ पे, तो वीर को उसके साथ खेलना है। ओके, हम घर नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे पर हम घर नहीं जाएंगे। हम लोग आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं रावण जलाने के लिए। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे सो मुहूर्त ही है रावण को जलाने का, मुहूर्त ही मुहूर्त है। ये रावण खुद से बनाया हुआ है। एक बहुत ही खूबसूरत दिन का दी एंड और रावण का अंत हो गया है। आज विजय की जीत हुई है और इसी खुशी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।